Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And today I am going to discuss an initiative, an online indigenous digital platform called Swayam. And it will be useful for various competitive teaching examinations as well as for your general awareness. So let's start. First of all, Swayam. It is an abbreviation. Being digital is the key factor to be successful in this digital world. इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप हम सभी जान गए हैं. आफ्टर कोविड इट इज मतलब इतना इंश्योर हो गया, एकदम पक्का हो गया है कि हम विदाउट, अगर हमको डिजिटल मीन्स का हमको ज्ञान नहीं है, हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो हम सफल नहीं हो सकते. बीइंग डिजिटल, आपको डिजिटल होना ही होगा. कीपिंग इन माइंड दिस वेरी फैक्ट, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स वेरी नेटिव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एब्रिविएटेड एज स्वयं. तो ये ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं को लॉन्च किया बिफोर कोविड. ठीक है, कोविड तो बाद में आया, लेकिन कोविड के आने के बाद हम लोग मतलब एक कंपल्शन हो गया कि आपको आना ही आना है. उसके पहले तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से यूज करते थे. तो जो स्वयं है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग बाई यंग एस्पायरिंग माइंड. एस्पायरिंग का ए भी बड़ा होना चाहिए था. तो ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो वैसे तो अब ये बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन तब भी कई लोगों को अभी भी नहीं पता है कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग बाय यंग एस्पायरिंग माइंड्स इसका फुल फॉर्म है. इट हैज बीन मेड बाय, किसने इसको बनाया है? MHRD. देखिए, MHRD नाम लिया जा रहा है, इसका मतलब ये 2020 NEP 2020 जिससे पहले की बात है. क्यों? क्योंकि NEP 2020 ने MHRD का नाम फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है. तो इसको किसने बनाया? MHRD एंड AICTE. AICTE क्या? All India Council for Technical Education with the help of Microsoft. तो ये एक सवाल बन सकता है कि किसके कॉम्बिनेशन से बना है, MHRD, AICTE, Microsoft, MHRD, NCTE, Microsoft, फिर इधर कुछ और कर देंगे, ऐसे चेंज कर देंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि MHRD, AICTE और Microsoft की हेल्प से ही बनाया गया है. This initiative has been taken to achieve the three pillars of education policy, access, equity and quality. यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तीन जो मुख्य स्तंभ है, मतलब पहुंच होनी चाहिए सब तक. सब किस चीज़ की? मतलब लर्निंग मटेरियल की. इक्विटी, हम समता की बात करेंगे, और क्वालिटी, गुणवत्ता की बात करेंगे. यानी पहुंच, समता और गुणवत्ता, ये जो तीन मुख्य स्तंभ हैं शिक्षा नीति के, उसको पाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया, ताकि हम सब तक पहुँच सकें, समतापूर्वक पहुँच सकें और गुणवत्तापूर्वक पहुँच सकें. The basic philosophy behind Swayam platform is to bridge the already existing digital divide in the country. देखिए, digital divide एक term है, अब तो digital gender divide भी एक term आ गया है. Digital divide मतलब कि divide हो गया, किस हिसाब से? Being digital और being not, मतलब not being digital. यानी कि हम digital gadgets use कर रहे हैं, हमको जानकारी है, हमारी उन तक पहुँच है, और हम नहीं use कर रहे हैं, तो अपने आप ये एक digital divide है. तो क्या किया स्वयं, ये सोचा गया कि स्वयं एक इस तरीके का हम indigenous platform launch करते हैं, तो जो हमारा digital divide का gap बन गया है देश में, हम उसको कम कर सके, उस अंतर को पाट सके. It is envisioned that this platform will provide access to those who have still remained untouched by the digital revolution in the country and yet not become a part of knowledge society. ये सोचा गया, ये दूरदृष्टि रखी गई कि ये platform जो है वो provide करेगा. क्या provide करेगा? Access, पहुंच provide करेगा उनको जो अभी तक digital revolution से untouched हैं, मतलब जो digital क्रांति में से अभी तक अछूते हैं और जो अभी तक एक knowledge society का हिस्सा नहीं बन पाए. This platform has been made for launching of MOOCs. अब MOOCs पे अलग पहले बात हो चुकी है, तो हमको पता होना चाहिए कि MOOC का full form massive open online courses है. तो MOOC को launch करने के लिए ये platform बनाया गया, जिसका कि नाम स्वयं है, to train faculty as well as students to be capable enough to cope up with the challenges of the new world. ताकि जो हमारे पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सभी जो नया संसार है, जो डिजिटल संसार है, उसकी चुनौतियों से, उनका चुनौतियों का सामना कर सकें. फिर कब बनाया गया है ये? थैंक्स टू डिजिटल इंडिया कैंपेन. यानी कि डिजिटल इंडिया कैंपेन जो 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, उससे निकल कर आया है. विच हैज इनिशिएटेड डिजिटलाइजेशन इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल एज इन एजुकेशन सिस्टम. तो जो 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया, उसमें ये कहा गया कि जितनी भी आपकी सरकारी नीतियां हैं और आपका शिक्षा निकाय है, शिक्षा तंत्र है, उन सब में आप उन सबको डिजिटलाइज कर देंगे.
One thing which has also taken into account is that today's generation students are termed as digital natives. देखिए ये बात भी बार बार हो गई, अब आप सभी जान गए होंगे कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं उनको डिजिटल नेटिव कहा जाता है, और जो हम लोग हैं मतलब जो पढ़ाने वाले हैं यू कैन से उनको डिजिटल इमिग्रेंट कहा जाता है. और ये जो डिवाइड है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, वो प्रिंसकी ने 2008 में दी है. और किस हिसाब से उसने डिजिटल नेटिव और डिजिटल इमिग्रेंट कहा है, उसने कहा है कि डिजिटल नेटिव्स आर दोज इंडिविजुअल्स हु आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द इंफॉर्मेशन एज. वो कह रहा है सूचना तंत्र, सूचना तकनीकी, सूचना के युग में जिन लोग जो जो पैदा हुए हैं और जो बड़े हुए हैं वो सब डिजिटल नेटिव कहलाएंगे. और डिजिटल इमिग्रेंट क्या हो जाएंगे, हु आर रेज्ड इन ए वर्ल्ड वेयर द इंटरनेट डिड नॉट एग्जिस्ट. यानी कि हम लोग उस संसार में पैदा हुए, पले बढ़े जहाँ पे इंटरनेट नहीं था. Prinsky had stated in his article that learning styles of past and present generation is split by their respective fluency with technology. Prinsky कह रहे हैं अपने article में, वो लिखते हैं कि अगर हम learning styles का अंतर देखें, जो पुराने जो digital native हैं, जो digital immigrant हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के संग फ्लुएंसी जो है वो अंतर उत्पन्न करती है, कि जो डिजिटल नेटिव है वो टेक्नोलॉजी के संग फ्लुएंट है और जो डिजिटल इमिग्रेंट है वो फ्लुएंट नहीं है. सो It is the call of the hour that the present educational setup must be embedded with the digital technology. इसलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है, ये समय की मांग हो जाती है कि जो हमारा मतलब वर्तमान शैक्षिक सब सेटअप है उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड कर दिया जाए. फिर जर्नी ऑफ स्वयं, अगर हम देखें कि कहाँ से शुरू हुआ है ये, तो द जर्नी ऑफ स्वयं कैन बी ट्रेस बैक टू 2003. मतलब आप 2003 से देख सकते हैं, पहले हमने क्या देखा 2015 में लॉन्च हुआ है, लेकिन 2003 से इसकी शुरुआत हो गई थी विद द इनिशिएशन ऑफ द NPTEL. अब NPTEL क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग है. टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग रहता है, कहीं कहीं इनेबल्ड लिखा रहता है, वैसे टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग. अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ IITs एंड IISc, यानी कि जो आपके IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर जो है उसका जॉइंट प्रोग्राम से NPTEL शुरू किया गया. और ये जो IITs है वो 7 IITs में जुड़े हैं. This was the first major attempt in e-learning in the country through online web and video courses in engineering, science and humanities streams. तो ये अपनी तरीके का एक प्रथम प्रयास था कि देश भर में e-learning यानी कि online, web और video courses चलाए गए हैं. किसमें किसमें? Engineering courses, science courses और humanities streams. The launch of the National Mission on Education through ICT, देखिए NMEICT, अब ये NMEICT क्या है? National Mission on Education तो है, but through ICT, ये कब आया? ये फरवरी 2009 में आया है. Further broadened the scope catering to all disciplines in the higher education sector. मतलब 2003 में तो NPTEL आया, NPTEL में mainly engineering, science और humanities streams के courses थे, लेकिन फिर NMEICT आया और उसने क्या कहा कि हम सभी discipline, higher education sector में जितने discipline हैं, सबको cover करेंगे. Under the Swayam initiative, all the contents developed under NMEICT are being repurposed and being made MOOCs compliant. मतलब इस तरीके का इसको बनाया गया है कि आप इस पे MOOC run कर सकते हैं. The beta version of Swayam was made live on August 15, 2016. फिर देखा जाए तो 15 अगस्त 2016 को Swayam का beta version launch कर दिया गया, live कर दिया गया. The President of India, Shri Pranab Mukherjee, attended the launch of Swayam 32 Swayam Prabha DTH channels and National Academic Depository at the National Convention on Digital Initiatives organized by MHRD GOI on 9th July 2017 in New Delhi. यानी कि 15 अगस्त 2016 को इसका बीटा वर्जन लॉन्च होता है. फिर उसके बाद आपका 2017 में जो प्रणब मुखर्जी जो दी देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं, स्वयं 32 स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एट द नेशनल कन्वेंशन ऑन डिजिटल इनिशिएटिव्स, यानी कि ये सब डिजिटल इनिशिएटिव्स के तहत हो रहा है जो कि MHRD GOI करा रहा था. तो ये लॉन्च करते हैं प्रणब मुखर्जी जी इसको 9 जुलाई 2017 को. तो ये स्वयं की जर्नी का हिसाब किताब रहा है. फिर नीड टू लॉन्च, क्या जरूरत ही पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी कि हम इसको लॉन्च करें? तो स्वयं बीइंग द इंडिया चैप्टर ऑन मूव इज राइटली पोज्ड एट दिस जंक्चर टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इन एजुकेशनल आउटकम बाय एक्सटेंडिंग रीच एंड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एट इकोनॉमिकल कॉस्ट. यानी कि मतलब विदेशों में ग्लोबली तो मूव चल रहे थे, लेकिन भारतीय इस तरीके का प्लेटफॉर्म जरूरत समझी गई कि लॉन्च किया जाए जिसपे हम इंडियन चैप्टर ऑन मूव चला सकें. सॉरी. और वो भी किस समय, जिस वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी शिक्षा
जो हमारा एजुकेशनल आउटकम है उसमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस कर पाए, ताकि रीच और एक्सेस बढ़ा सके, यानी कि ज्यादा बच्चों वहां तक पहुंच सके, ज्यादा स्टूडेंट पहुंच सके, उनकी पहुंच हो सके, जो क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम प्रोवाइड कर सके एट इकोनॉमिकल कॉस्ट, मतलब और वो बहुत महंगी खर्चीली भी ना हो, क्योंकि सब लोग IITs में नहीं पढ़ सकते, IIMs में नहीं पढ़ सकते, कुछ खर्चीला है, कहीं पे मेरिट बेस्ड है, कहीं पे कुछ है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, तो सब लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सबका हक है ना। दिस इज द टाइम व्हेन द ग्लोबल एजुकेशनल सिनेरियो हैज विटनेस्ड द एक्सटेंशन ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ MOOCs। और यही वो समय था जब ये देखा गया कि जो ग्लोबली बहुत सारा OER पे काम हो रहा है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी कि एजुकेशनल रिसोर्सेज जो कि ओपन हो, जिसको आप सभी लोग बीइंग ऑनलाइन हो के बस उसको पढ़ सके, है ना। फिर Coursera एक तरीके का प्लेटफॉर्म था जो कि 2012 में स्टार्ट हुआ। इट हैज बीन थॉट बाय अवर पॉलिसी मेकर्स दैट वन सच इंडिजिनस प्लेटफॉर्म मस्ट बी लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ नेशनल प्लेयर्स। तो Coursera 2012 में लॉन्च हुआ और बहुत पॉपुलर है Coursera प्लेटफॉर्म, और सबसे ज्यादा इसमें जो इनरोल होते हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो ये सोचा गया कि क्यों ना एक इस तरीके का हम देशज प्लेटफॉर्म बनाएं, देश का बनाएं, जिसको देश के राष्ट्रीय लोगों ने, मतलब की संस्थाओं ने मिलकर बनाया हो। तो ये नीड महसूस की गई, आवश्यकता महसूस की गई कि स्वयं को लॉन्च किया जाए। द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड दिस इज दैट द बेस्ट टीचिंग रिसोर्स मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द रिमोटेस्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री एट अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी कि कहीं भी वो बच्चा हो, कितना भी दूर हो, उसके लिए कितना भी मुश्किल हो वहाँ के एडमिशन लेना और उनसे पढ़ना, पर वो उनको पढ़ पाए सुन पाए। To improve gross enrollment ratio, हम बार बार बात करते हैं कि हमारा GER बहुत खराब है, विदेशों से जो विकसित देश हैं उनसे हमारा प्रतिशत बहुत खराब है, 20-25% हमारा प्रतिशत चलता है। तो ये माना गया, ये जो अभी NEP 2020 आई है ये कह रही है, इसने इनविजन किया है कि हम 2035 तक इसको 50% ले जाएंगे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को। तो ये भी स्वयं की वजह से ही हो सकता है कि हम स्वयं मतलब ऑनलाइन कोर्सेज MOOC इनके तहत लोगों को साक्षर कर दें, पढ़ा दें, अपडेट कर दें, अपग्रेड कर दें, तो GER बढ़ जाएगा। तो ये स्वयं प्रोमिसेज टू बी ए पॉसिबल सोल्यूशन, मतलब स्वयं ये वादा करता है हमसे कि हम एक आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। With the capacity to revolutionize the education system in India, it is almost impossible to provide quality education to each and every student in face-to-face mode. मतलब ये तो बहुत ही मुश्किल है, असंभव है कि हम face-to-face mode में हर बच्चे को quality education दे पाएं। तो ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे ये सार्थकता अपनी साबित करता है स्वयं इन बातों के तहत। फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, ये जब बात की गई कि MOOC चलेंगे, MOOC इस पर रन होंगे और सारे कोर्सेज कवर किए जाएंगे, तो ये हुआ कि कौन बनाएगा वो कोर्सेज, है ना। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड डिलीवर्ड, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द MHRD। तो MHRD ने 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट किए, और वो कौन कौन से थे, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और इसको किसका जिम्मा दिया गया कि आप सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज बनाइए। NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, इनसे कहा गया कि आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज बनाइए। UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि आप नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज बनाएंगे। CEC, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इसने इसको जिम्मा मिला कि ये अंडर ग्रेजुएट UG स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज बनाएगा। NCERT, चूंकि ये स्कूली एजुकेशन से लेना देना इसका रहता है, तो ये स्कूल एजुकेशन का काम इसको दिया गया, जबकि NIOS को भी स्कूल एजुकेशन दिया गया, लेकिन ओपन स्कूलिंग, मतलब आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। IGNOU का भी वही काम है, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटी लेवल। और IIMB, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर को जिम्मेदारी दी गई है कि वो मैनेजमेंट स्टडीज के लिए कोर्सेज बनाएंगे। और NITTR, ये जरा लेस पॉपुलर है, कम लोग इसको जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसको कहा गया कि आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए MOOCs बनाएंगे। तो इस तरह से ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट किए गए MHRD के द्वारा। और तो इन नेशनल कोऑर्डिनेटर्स का काम क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग कोर्स कंटेंट, अपडेट एंड मेंटेनेंस फॉर द सेम, यानी कि वो बनाएंगे भी, अपडेट भी करेंगे, उसको मेंटेन भी करेंगे। These national coordinators have local chapters across the country. और ये जितने भी national coordinators हैं उनके पूरे देश भर में local chapters, मतलब जिनसे आप बात कर सकें, जिन तक आपकी पहुंच हो। They act as an intermediary between the users and the national coordinators. मतलब आप direct national coordinator से बात नहीं कर सकते, लेकिन local chapter तक आपकी पहुंच है, वहां पर आपके बहुत दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं। These local chapters are famously known as स्वयं NPTEL local chapters. और the local chapter is a one-stop center for all information regarding the course offered by
दी रेस्पेक्टिव नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, यानी कि जितनी भी आपको सूचना चाहिए वहाँ मिल जाएगी कि कोर्स कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, कैसे उसका असेसमेंट होगा, सर्टिफिकेशन कैसे होगा, फीस कैसे जमा होने में कोई दिक्कत हो गई है तो आपको सर्टिफिकेट कब मिल सकता है, सारी चीज़ें, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एज वेल एज स्टार्टिंग एंड एंड डेट ऑफ ए कोर्स, सब कुछ लोकल चैप्टर से पता चल सकता है. एनी टेक्निकल ग्लिच फेस बाई ए यूजर वाइल अंडर गोइंग ए कोर्स आउटलाइन कैन बी रिड्रेस बाई दी लोकल चैप्टर्स. कोई दिक्कत आ रही है किसी को, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई है, कोई इतना साउंड नहीं है टेक्निकली कि उसको रन मतलब कोर्स को परस्यू करने में उसको दिक्कत हो रही है, वो सारी दिक्कतें लोकल चैप्टर्स के द्वारा एड्रेस की जाती हैं. फिर कोर्स कोर्सेज ऑन स्वयं, कौन से कौन किस तरीके के कोर्सेज चलते हैं स्वयं पे, तो जितने भी कोर्सेज स्वयं पे चलते हैं सब फोर क्वाड्रेंट अप्रोच फॉलो करते हैं. सॉरी कौन सी है वो फोर क्वाड्रेंट अप्रोच? पहला क्या है कि जो भी कोर्स उस पर रन होगा उसमें वीडियो लेक्चर होना चाहिए, पहली सबसे जरूरी बात है ना. दूसरी बात, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल होना चाहिए उस कोर्स में जिसको कि डाउनलोड किया जा सके, प्रिंट निकाला जा सके. तीसरा सबसे और जरूरी जो इंग्रेडिएंट है, कंपोनेंट है, वो क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, यानी कि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे क्विजेज हो, कुछ भी हो. और एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं तो कहा जाता है ना कि आप आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, आप टीचर से बात नहीं कर पा रहे हैं, जो इमोशनल कंपोनेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम बनाएंगे जिसपे आप सब लोग अपने सवाल लिख सकते हैं, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, और सब आपस में एक दूसरे का देख सकते हैं, आपका जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है वो देख सकता है, जो उसके पास जब समय हो सबको आंसर कर सकता है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ रहती है. Steps have been taken to enrich the learning experience by using audio, video and multimedia and state-of-the-art pedagogy technology. और जो courses हैं वो दो तरीके के हैं, credit courses और non-credit courses. Credit courses क्या है? Credit courses का मतलब कि this shall mean a course which is taught for at least one semester as a part of a PG program in Indian universities. यानी कि भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर level पर कम से कम किसी एक सेमेस्टर में वो कोर्स पढ़ाया जाता हो, वो तो क्रेडिट कोर्स बन सकता है. और नॉन क्रेडिट कोर्स का मतलब कि आपका कोई भी कोर्स, यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम पे कोई कोर्स है, कोई कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम के लिए है, कोई स्पेसिफिक स्किल सेट है, कोई इंडिपेंडेंट कोर्स है जो कि हमारे कोर्स का, करिकुलम का, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो सब कुछ नॉन क्रेडिट कोर्स में आ जाएगा. तो कोर्सेज दो तरीके के हैं, क्रेडिट और नॉन क्रेडिट, लेकिन दोनों ही फोर क्वाड्रेंट अप्रोच को फॉलो करेंगे. तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके? अनडाउटेडली स्वयं प्रूव्स टू बी अ पेनिशिया फॉर मेनी ऑफ द एजुकेशनल इश्यूज. दीस कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज बहुत सारी शैक्षिक समस्याओं का निवारण इससे किया जा सकता है. ये इकोनॉमिकल है फॉर स्टूडेंट्स, एज वन कैन लर्न एंड गेट लर्निंग मटीरियल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम टॉप मोस्ट टीचर्स ऑफ एनी डिसिप्लिन, है ना. दीज आर टेलर मेड कोर्सेज दैट हैव टू बी मेड इन टेकिंग केयर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स नीड्स, यानी भारतीय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के हिसाब से बनाए गए हैं. Through top quality MOOC, students can get benefited and interact with the world's top teachers, है ना? जो बहुत अच्छे MOOC हैं, उनसे आप दुनिया के जो best teachers हैं, उनसे interact कर सकते हैं. There is no upper limit to join any course. ऐसा नहीं है कि अब हमारी उम्र इतनी हो गई तो हम इस course को join नहीं कर सकते. Any number of students can get enrolled, है ना? ये भी नहीं है कि अब seat full हो गई, अब आप join नहीं कर सकते. जितनी भी चाहे संख्या हो, आप join कर सकते हैं. This is one of the biggest advantages of the Swayam platform for a developing country like us. और GER को भी स्वयं बढ़ा सकता है थ्रू MOOCs, है ना. पर दिक्कतें भी हैं, देयर आर डिसएडवांटेजेस टू, लाइक विदाउट मिनिमम रिसोर्सेज वन कैन नॉट यूज सच प्लेटफॉर्म्स, है ना. बट दीज सॉर्ट ऑफ शॉर्टकमिंग्स हैव टू बी वाइप्ड ऑफ ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे ये समस्याएं कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जिसके पास बेसिक टेक्निकल भी सुविधा नहीं है वो कैसे ज्वाइन कर पाएगा, ये कोर्सेज नहीं पढ़ सकता. सो इन टोटैलिटी वी कैन से दैट स्वयं इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टेप्स इन द डिजिटल इंडिया कैंपेन, यानी डिजिटल इंडिया को जब लॉन्च किया गया उसमें आप कह सकते हैं कि सबसे प्रॉमिसिंग निकला स्वयं. वी हैव टू कंपेयर अवर इंडिजिनस प्लेटफॉर्म विद ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ऑन ए फ्यू पैरामीटर्स, मतलब अगर आप चाहें कि हम देखें कि हम कितने सफल रहे, कितना बढ़िया हमारा प्रोग्राम रन करता है, तो आप कुछ पैरामीटर्स हैं उस पर आप तुलना करके देख लीजिए, लाइक ईज ऑफ एक्सेस, कितना ईजिली आप उस तक पहुँच पा रहे हैं, मतलब टेक्निकल ग्लिच कितना आ रहा है रास्ते में. ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ डाउनलोडेबल कंटेंट, जो कंटेंट है वो डाउनलोडेबल है कि नहीं. टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कि नहीं ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर, और कितना ड्रॉप आउट रेट है. अगर 10,000 लोग इनरोल होते हैं और 500 लोग सर्टिफाइड होते हैं तो इसका मतलब ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए.
देन वी कैन इवेलुएट इट्स इफेक्टिवनेस ऑन ग्लोबल पैरामीटर्स टू, तब हम जान पाएंगे कि हम कोर्सेरा के कंपैरिजन में, यूडीएक्स के कंपैरिजन में, और भी जितने भी ऑनलाइन इस तरीके के प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड, उनसे हम उनके कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हैं. बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड कैन प्रूव अ वेरी प्रॉमिसिंग सोल्यूशन फॉर हायर एजुकेशन फ्रेटर्निटी विद ये ऑफरिंग्स ऑफ 3 A's. 3 A's अब बहुत पॉपुलर हो गया है. क्या है 3 A's का मतलब? एनी टाइम, एनी वेयर, एनी वन. कोई भी कभी भी कहीं भी पढ़ सकता है ना? यही है स्वयं के बारे में. तो आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं, कौन से कोर्सेज रन होते हैं, क्रेडिट नॉन क्रेडिट में क्या अंतर है, फोर कोऑर्डिनेट अप्रोच क्या होती है ना, सारी चीजें. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. डन फ्रॉम माई साइड.